हेलो गाइस, मेरा नाम है वेद पिचकुक। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा इस बुक से, बुद्ध और उनका धम्म से। सातवें भाग का ये कहानी है प्रकृति नाम की एक लड़की की। दोस्तों, तथागत बुद्ध के एक शिष्य ने जिसका नाम आनंद था, वो भिखाटन के लिए यानी भिक्षा के लिए बाहर गया हुआ था। तो उसको रास्ते में प्यास लगी, तो वहीं बगल में एक नदी थी, उस नदी के किनारे वो पानी पीने के लिए गया। आनंद जब उस नदी के किनारे गया तो वहां एक चांडाल लड़की थी जो मटके में पानी भर रही थी, तो उसका नाम प्रकृति था। तो आनंद गए उस लड़की से बोले कि मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो, मैं पानी पीऊंगा, थोड़ा सा पानी दे दो। फिर प्रकृति ने बोली कि मैं तो चांडाल लड़की हूँ, मैं आपको पानी कैसे पिला सकती हूँ। फिर आनंद बोले, मैं पानी मांग रहा हूँ, आपका जाति नहीं। तथागत बुद्ध की जितने भी शिष्य थे, तथागत बुद्ध भी कभी भी जाति पात पर भेदभाव ये सब नहीं किया करते थे, उनके धर्म में ये सब चलता ही नहीं था। फिर इतना ही सुनते ही आनंद से वो लड़की बहुत ही अट्रैक्ट हो गई, बहुत आकर्षित हो गई। फिर वहां से पानी पीकर आनंद जब अपने कुटी यानी जहां रहते थे वहां जब गए, तो उसके पीछे पीछे उन्होंने देखा कि वो लड़की भी आ चुकी थी जहां वो रहते थे। फिर वो लड़की उनके बारे में ये सब कुछ पता लगा ली कि वो तथागत बुद्ध के शिष्य भी हैं, ये भी पता लगा ली, और उनका नाम आनंद है ये भी पता लगा ली। वो घर वापस आई, अपनी माँ को ये सारी कहानी सुना गई थी, और उसने अपने माँ को बोला, मैं उस लड़के से मैं शादी करना चाहती हूँ। फिर उसने जिद कर ली, उसने कहा कि जाकर उस लड़के से बात करके आओ माँ, मैं उसी से शादी करूंगी। फिर उनकी माँ यानी प्रकृति की माँ आनंद के पास जा पहुंची पता लगाकर। उन्होंने बोला कि मेरी बेटी आपसे विवाह करना चाहती है। फिर आनंद ने कहा कि मैं तो ब्रह्मचर्य को प्राप्त कर चुका हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता। फिर वो भी आई, अपने बेटी को सारी कहानी सुनाई। तो उसकी बेटी ने कहा, माँ तुम तो जादू टोना तंत्र मंत्र सब जानती हो, क्यों नहीं उस लड़की के ऊपर अपना जादू टोना चलाकर अपने बस में करके मेरी शादी नहीं करवा देती। उसके बाद उसकी माँ ने अपने बेटे से कहा, वो तथागत बुद्ध की शिष्य है और हमारा जादू टोना उनके ऊपर बिल्कुल काम नहीं करता। फिर उन लोगों ने, दोनों माँ और बेटियों ने एक जो है कि प्लान बनाया कि उसको खाना खाने के बहाने यानी निमंत्रण दिया जाए कि अपने अपने घर पर खाना खिलाया जाए, और उसके बाद तब बात करते हैं। फिर उन लोगों ने आनंद को इनवाइट किया, निमंत्रण दिया कि आप आज शाम का भोजन आप हमारे घर करेंगे। फिर आनंद आए, उनके घर भोजन कर रहे थे, तो उनकी बेटी ने अपनी माँ को बोला, तुम जाके उनको कहो कि हमारी बेटी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, बिना शादी के वो अपनी जान गंवा बैठेगी। वैसे ही आकर उसने आनंद से कहा कि मेरी बेटी आपसे विवाह करना चाहती है, अगर वो आप उनसे विवाह नहीं करेंगे तो वो आत्महत्या कर लेगी। लेकिन उनकी कोई भी बात उनको समझ नहीं आ रही थी। आनंद ने सीधे असमर्थ होकर बोले, मैं ब्रह्मचर्य प्राप्त कर चुका हूँ, मैं शादी बिल्कुल नहीं कर सकता। ये सारी बातें जाकर माँ ने अपनी बेटी को सुनाई। फिर उसकी बेटी ने कहा, माँ तुम यहीं रुको, दरवाजा बाहर से बंद कर दो, मैं आज उसको यहीं अपने घर में ही फैसला कर लूंगी कि वो मुझसे शादी यहीं करेगा। फिर जैसा उस लड़की ने कहा उसकी माँ ने वैसा ही किया। वो शाम जब हुआ तो उसने वो लड़की प्रकृति नाम की जो लड़की थी, चांडाल कन्या थी, खूब सज धज की आई उनके पास, लेकिन उसका कोई भी तरीका आनंद के ऊपर काम नहीं किया। फिर आनंद चले गए अपने तथागत बुद्ध के पास अपने कुटी में। तो वहां जब चले गए तो सीधा उन्होंने मना कर दिया, मैं शादी नहीं कर सकती। लेकिन लड़की आनंद के पीछे इतना दीवानी हो गई थी, वो वहां तक जा पहुंची। आनंद भिखाटन पर गए हुए थे, जब वो लड़की जा रहे थे उनके कुटी पर, आनंद उनको देखा तो सोचे कि मैं थोड़ा साइड हो जाऊं ताकि ये लड़की मेरा पीछा न करे। तो जब वो लड़की वहां जाके पहुंची तो आनंद ने तथागत बुद्ध को ये सारी बातें बता दी। फिर वो लड़की वहां जब जाके पहुंची तो तथागत बुद्ध ने उस लड़की से कहा कि तुम क्या चाहती हो। लड़की ने तथागत बुद्ध से कहा कि मैं आनंद से शादी करना चाहती हूँ। तथागत बुद्ध बोले, क्या तुम जानती हो कि अगर आनंद से शादी करना चाहोगी तो आपको अपने सर को मुंडन कराना पड़ेगा। अगर तुम मुंडन करा लो अपने सर को तो मैं तुम्हारे शादी के बारे में कुछ सोचूंगा। फिर वो लड़की उस बात को एग्री करते हुए अपने घर जा पहुंची और अपनी माँ से बोली, माँ
तुम जो नहीं कर पाए वो मैंने कर दिया। तथागत बुद्ध बोले हैं, अगर तुम अपना सर को मुंडन करा लो तो मैं तुम्हारी शादी आनंद से करवा दूंगा। फिर माँ उस लड़की को प्रकृति को डांटने लगी, बोली तुम अपना सर मुंडन करवाओगी? ये लड़कियों का प्रचलन है, लड़कियों के सर पे बाल ही तो शोभा देती है। लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी थी कि आनंद से ही शादी करूंगी। उसने अपना माँ से आज्ञा जिद करके ले ली और अपना सर मुंडन करवा के तथागत बुद्ध के पास जा पहुंची। फिर तथागत बुद्ध उसको देखे हैरान रह गए, बोले आखिर तुम आनंद के अंदर ऐसा क्या चीज देखी हो, किस चीज से प्यार करती हो जो कि तुम आनंद से शादी करना चाहती हो? फिर वो लड़की बोली, मुझे आनंद के आंखों से प्यार है, नाक से प्यार है, मुंह से प्यार है, कान से प्यार है, चेहरे से प्यार है। फिर गौतम बुद्ध उस लड़की प्रकृति को जवाब देते हुए बोले, क्या तुम जानती हो आंख आंसुओं का घर है, नाक गंदगी का घर है, मुंह थूक का घर है, कान मैल का घर है? इस तरह से गौतम बुद्ध उसको समझाते हुए उसको एग्जाम्पल दिए। फिर इतनी सी बात सुनकर वो लड़की सोचने लगी, सोची ये बात तो सही है। फिर गौतम बुद्ध बोले, मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो, आनंद से शादी करना चाहती हो, लेकिन उसे शादी करके तुम कुछ पाओगी नहीं, क्योंकि मनुष्य एक दूसरे के साथ सहवास करके बच्चे को जन्म देता है, फिर वो बच्चा जन्म लेता है, फिर वो मृत्यु को प्राप्त होता है। अगर मृत्यु होगी तो दुख होगी, और जहां दुख है वहां खुशी कहां कैसे? ये सब अपनी सभी बातें गौतम बुद्ध ने उस लड़की को बताई। वो गौतम बुद्ध की बातों पे वो लड़की नजर रखकर काफी सोच विचार करने लगी। जब वो सोच विचार करने लगी तो उसको एहसास हुआ कि शादी करने से क्या फायदा, मैं जिस लिए उस लड़की पे मर रही थी उसमें तो ऐसी कोई सुख समृद्ध है ही नहीं गौतम बुद्ध के बताए हुए अनुसार। फिर वो लड़की सोच समझ कर गौतम बुद्ध को सीधा उसने कहा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहती हूँ, मैं आनंद से शादी अब नहीं करना चाहती हूँ। फिर गौतम बुद्ध का वही जवाब था कि जाओ अपने माता और पिता से आज्ञा लेकर आओ कि मैं भिक्खुनी बनना चाहती हूँ। तथागत गौतम बुद्ध की वो गई अपनी माँ से आज्ञा ली, वैसे तो उसकी माँ आज्ञा नहीं दे रही थी, वो जबरदस्ती किसी तरह से आज्ञा ले ली और आके वो भिक्खुनी बन गई। भिक्खुनी बनकर उस समय स्त्रियों को बहुत सीखने वाली बात यह है कि उस समय स्त्रियों को बहुत अलग किया जाता था मनुष्य में, यानी जो पुरुष होते थे स्त्रियों की हमेशा पुरुष के नीचे स्त्रियों को दबा कर रखा जाता था। उस समय गौतम बुद्ध बहुत सारे यानी 500 से ज्यादा हजारों हजारों लड़कियों को अपने साथ भिक्खुनी बनाए थे उनको, यानी वो चांद प्रकृति नाम की जो लड़की थी वो चांडाल थी, लेकिन उन्होंने उसको ऐसा बना दिया कि वो जहां ब्राह्मण लोग उसकी इज्जत करने लगे, सम्मान देने लगे, उसकी पूजा करने लगे। वो लड़की को गौतम बुद्ध ने समझाया भी कि अगर तुम भिक्खुनी बन जाती हो तो तुम चांडाल कन्या नहीं रह जाओगी, तुम एक ऐसी महिला बन जाओगी जहां तुम्हें बहुत सम्मान इज्जत समाज में सब कुछ मिलने लगेगा। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताना, और इस बुक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई बुक को जरूर पढ़ना, बहुत 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 नॉलेज मिलने वाला है इस बुक से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।